चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना चालू कर दिया है। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार की हम कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 50 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आई, तो वहीं शनिवार का भी कलेक्शन में काफी ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस हिसाब से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म दंगल को भी पछाड़कर टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन की पदवी हासिल करने वाली है। जी हाँ, सलमान खान के फैंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि सलमान खान की फिल्म जब भी बॉक्स ऑफिस पर आती है वह सुपर डुपर हिट का डंका बजाती है। सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपने दर्शकों के लिए हमेशा अपनी फिल्मों में कुछ ना कुछ नयापन लेके आते रहते हैं, तभी तो इनकी फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होती है। दर्शकों के लिए यह फिल्म खास इसलिए है क्योंकि सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ 5 साल के बाद बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है एक था टाइगर का सीक्वल है। इस फिल्म में कटरीना और सलमान खान का एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। उस हिसाब से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आमिर खान की दंगल को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ते हुए बहुत कम समय लगने वाला है। संडे तक सलमान खान की फिल्म की कलेक्शन का करीब 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा बताया जा रहा है।